अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो आज ईद का दिन है और हम पाकिस्तान तो नहीं जा सके, इसलिए इधर ही में थोड़ा सा ईद का मजा करेंगे। आज चरखा बनाएंगे फुल मुर्गी का। ये हमने दो मुर्गियां ले ली हैं, इनको अच्छे से कट लगा के, धो के अच्छे से कट लगा लिया है ये दोनों मुर्गियों को। माशाल्लाह देखें, ये कट लग चुके हैं। तो अभी हम बना रहे हैं इसके लिए मसाला। तो इसमें हमने डाली है दादर लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और टिक्का मसाला। अभी इसमें एक दो चीज़ें और बाकी हैं, वो भी ऐड करते हैं, आपको मिलते हैं। हाँ, तो हमारा मसाला रेडी हो गया है एकदम से। तो इसको लगाते हैं अच्छे से और इसको ऐसे अच्छे से लगाना है। पकड़ लेंगे हम इसको और ये काट लगाए हुए हैं, काटने से अच्छे से मसाला के अंदर। मसाले में से जो खुशबू आ रही है ना, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अंदर भी अच्छे से लगा देंगे। माशाल्लाह अभी मसाला सब कुछ लग गया है। अभी इसको मैरिनेट होने के लिए हम आज रात के लिए रख देंगे, क्योंकि हम कल सुबह बनाएंगे। तो कल सुबह तंदूर को गर्म करेंगे, तंदूर को, और उसके अंदर इसको बना के दिखाएंगे। तो अभी इसको रख देते हैं, कल मिलते हैं। जैसा कि रात को इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो अभी तंदूर भी गर्म हो गया है और ये भी रेडी है। अभी इसको लगाते हैं थोड़ी देर में। अभी इसको लगाते हैं तंदूर के अंदर। तंदूर बिल्कुल रेडी हो गया है, रेड हो गया अंदर से, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 30 से 40 मिनट पकाएंगे, लेकिन एक दो बार बीच में चेक करेंगे, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, पता नहीं है कितना टेम्परेचर है अंदर। तो अभी 6 बज रहे हैं, मिलते हैं 6:30 बजे। तो अभी 40 मिनट हो गए इसको अंदर पकते हुए। एक बार चेक किया हमने 20 मिनट पे, तो अभी इसको चेक करते हैं क्या इसका हिसाब किताब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर आया देखिए, और कितना प्यारा ये चिकन हमारा रेडी हुआ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, देखिए कैसे ये छोड़ रहा है जी चिकन ना, हड्डियों को छोड़ रहा है, कितना जूसी और कितना प्यारा बना जी। नाज़रीन, ये तंदूर में रोटी भी लगा रहे हैं मुन और सुबह दोनों। तो माशाल्लाह अभी सब कुछ रेडी हो गया है। अभी खाने के नीचे चादर बिछा के, चटाई बिछा के खा रहे हैं। ये चिकन देखो कितना प्यारा जूसी बना है, माशाल्लाह। इसको थोड़ा और ये नान भी, ये रोटियां भी तंदूर की काफी अच्छी बन गई है। शुभात कैसा लग रहा है? बहुत बहुत टेस्टी है।